नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 26 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है डाउन बट नॉट आउट, और एडिटोरियल कहता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई है वेस्ट एशिया के कई हिस्सों में और नॉर्थ अफ्रीका में, उसके द्वारा इस्लामिक स्टेट को मौका मिला है कि वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का। और इसके अंतर्गत क्योंकि हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसके रोल के बारे में, तो ये लिंक होता है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का लोगो, और अभी हाल ही में यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, और वो रिपोर्ट है आईसिस के बारे में कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर। और यहाँ हमें आईसिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसका मतलब है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इसे आईसिल भी कहा जाता है कभी कभी, और देश के नाम से भी जाना जाता है। आईसिल का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांत, और अरेबिक में इसका नाम हो जाता है देश। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आईसिस की एक्टिविटी का खतरा है, ये ज्यादातर उन जगहों पर है जहाँ की कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, और इसके द्वारा जो आईसिस के फाइटर्स हैं उनको रीग्रुप करने का भी मौका मिल रहा है और अपनी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों को बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। और ये ज़्यादातर देखा गया है इराक और सीरिया में, जहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लगातार सैन्य कार्रवाई चलती जा रही है। जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं वहाँ जो आईसिस का थ्रेट है वो हाल के दिनों में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुए हैं और कई सारी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसके द्वारा लोगों की आवाजाही पे भी फर्क पड़ा है। तो इस वजह से जो रिस्क ऑफ अटैक्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कुछ हॉटस्पॉट्स बताए गए हैं जहाँ की आईसिस की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वो है इराक और सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ हिस्से और अफगानिस्तान। आइए अब इन जगहों को मैप पे देखते हैं। तो ये है नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का मैप। तो यहाँ हमें एक टर्म से वाकिफ होना चाहिए जिसे कहा जाता है मेना कंट्रीज। तो मेना कंट्रीज का मतलब है कि ME स्टैंड्स फॉर मिडिल ईस्ट और NA का मतलब है नॉर्थ अफ्रीका। इसे कभी कभी वाना कंट्रीज भी कहते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका। तो ऐसे टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि आईसिस कहाँ कहाँ एक्टिव है। तो एक तो अफगानिस्तान में, जहाँ की इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस के नाम से ये अपना काम कर रहा है और कई सारी वारदातों को अंजाम दिया है इसने, और ख़ास तौर से जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उन पे ये अटैक लगातार करता रहा है। इसी प्रकार से जो आईसिस है ये काफ़ी एक्टिव रहा है इराक के कुछ हिस्सों में और सीरिया के कुछ हिस्सों में, और 2014 में तो इसने एक प्रोटो स्टेट यानी कि एक सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफेट भी इस्टेब्लिश कर ली थी इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में। और अब जैसे लीबिया जैसे देश जहाँ की एक सिविल वॉर की सिचुएशन लगातार बनी हुई है, तो वहाँ भी आईसिस अपने पैर जमा रहा है। और इसके साथ साथ नाइजर में, माली में जहाँ हाल ही में एक मिलिट्री कू हुई है, बुर्किना फासो में, तो इन सारे देशों में भी आईसिस का लगातार दबदबा बना हुआ है। और यहाँ आईसिस जाना जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा के नाम से, ISGS। और ये है सीरिया का मैप। इसमें हम देख सकते हैं जो इडलिब प्रोविंस है यहाँ अभी तक आईसिस एक्टिव है और कुछ हिस्से इसके कंट्रोल में हैं। ये जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है हिस्सा, ये बशर अल असद की गवर्नमेंट फोर्सेस के अंतर्गत आ गया है, और सीरियन गवर्नमेंट को रशिया के सीरियन सिविल वॉर में इंटरवीन करने से काफी मदद मिली है, और इसके बाद से वो हावी हो गए हैं रेबल्स के ऊपर। ये जो हिस्सा हरे में नजर आ रहा है ये है कर्डिश फोर्सेस का हिस्सा,
और ये हिस्सा टर्किश सपोर्टेड रेबल्स के हिस्से में है। और अभी हाल ही में तुर्की ने एक कॉरिडोर बनाया है, सेफ जोन, तो ये वो सेफ जोन है। और तुर्की ने ये बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि तुर्की के अंदर भी काफी संख्या में कुर्दिश लोग हैं जो कि लगातार ऑटोनोमी की मांग करते रहे हैं तुर्की सरकार से। और तुर्की को ये डर है कि अगर कर्ड्स को एक अपना राज्य मिल जाता है सीरिया में या इराक में, तो फिर उनकी मांग और ज्यादा मजबूत हो जाएगी एक सेपरेट कुर्दिश होमलैंड के लिए, जिसे तुर्की नहीं बनते हुए देखना चाहता है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल कहता है कि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ भूभागों में राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति इस्लामिक स्टेट को अपनी गतिविधियां जारी रखने का अवसर दे रही है, क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के द्वारा एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है जिसका फायदा इस तरीके के संगठन उठाते हैं अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अन्य भूभागों में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की लगातार बनी रही उपस्थिति पर सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख यानी कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म चीफ हैं व्लादिमीर वोरोनकोव, उनके बयान को इन क्षेत्रों के द्वारा एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि व्लादिमीर वोरोनकोव जो हैं वो यूएन के ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म इसको हेड करते हैं, और ये ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म हर वर्ष एक रिपोर्ट पेश करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट को पराजित घोषित किए जाने के 2 वर्ष बाद भी 10,000 से अधिक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके इराक और सीरिया में सक्रिय बने हुए हैं, और ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए आतंकी हमलों में वृद्धि नज़र आ रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में, सीरिया और इराक में, और नॉर्थ अफ्रीका के कई देशों में जो कि IS गतिविधियों के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। आगे एडिटोरियल बताता है कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इराक और सीरिया के अतिरिक्त इस आतंकी संगठन जो कि IS है, इसके पास पश्चिम अफ्रीका में भी एक प्रांत है यानी कि काफ़ी बड़ा ज्योग्राफी में ये एक्टिव है, यहाँ लगभग 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। तो यहाँ इसे प्रांत कहा गया है लेकिन ये सिर्फ सांकेतिक रूप से है कि एक काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है, लेकिन इसे वो 2014 में जैसे इराक और सीरिया में उसने एक प्रोटो स्टेट की स्थापना कर ली थी इस्लामिक स्टेट ने, वैसा अभी स्थापित नहीं हो पाया है नॉर्थ अफ्रीका में, लेकिन फिर भी ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटो स्टेट से क्या तात्पर्य है। तो प्रोटो स्टेट का मतलब है कि एक क्वासाई स्टेट यानी कि जो स्टेट है लेकिन सारे स्टेट के फीचर्स उसमें मौजूद नहीं है, एक प्रिमिटिव टाइप का स्टेट है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं किसी भी राज्य के। पहला फीचर होता है कि एक डिफाइंड टेरिटरी हो, दूसरा एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, तीसरा एक सॉवरेन गवर्नमेंट हो, और चौथा उस देश के पास ये पावर हो कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों के साथ कर सकता है। तो अगर ये चारों फीचर्स हैं तो फिर वो स्टेट की श्रेणी में आता है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान है वहाँ भी IS के हमले लगातार जारी हैं, और ख़ास तौर से यहाँ जो इसका एफिलिएट एक्टिव है उसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, और इसने लगातार जो जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन पे हमले किए हैं। और आगे एडिटोरियल कहता है कि भले ही इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में अभी कोई भी बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इराक में अलकायदा के टूटे हुए एक समूह से विश्व के सबसे शक्तिशाली आतंकवादी समूहों में से एक में इसका बदल जाना सभी देशों के लिए एक सबक होना चाहिए कि किस तरीके से ऐसी विचारधारा इतना भयानक रूप ले सकती है, और इसके लिए सभी को सजग रहना चाहिए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव है, और ख़ासतौर से अगर नॉर्थ अफ्रीका की बात की जाए तो लगातार इस्लामिक स्टेट और अलकायदा एक दूसरे के साथ संघर्ष में है। जहां इस्लामिक स्टेट का मानना है कि अलकायदा अपनी जो कोर जिहादिस्ट आइडियोलॉजी है उससे भटक गया है, वहीं अलकायदा का मानना है कि इस्लामिक स्टेट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और उसने सिर्फ मुजाहिदीन का नाम खराब किया है। तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के बीच में भी लगातार संघर्ष बना हुआ है जहाँ भी ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के फाउंडर बगदादी और अलकायदा के फाउंडर ओसामा बिन लादेन दोनों को अमेरिकी फोर्सेस
के द्वारा मारा जा चुका है। और एडिटोरियल बताता है कि जब से इस्लामिक स्टेट ने अपने नियंत्रण के क्षेत्रों को खोया है, तब से इसके लड़ाके फ्रंट लाइन से पीछे हट गए हैं और उन्होंने संघर्षरत देशों के कम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि रेगिस्तानों, पहाड़ों और आंतरिक इलाकों में छोटे समूहों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और इसके साथ साथ एक और टर्म आता है न्यूज में कई बार और उसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक्स, यानी कि एक व्यक्ति अकेले जाकर कोई टेररिस्ट घटना को अंजाम देता है। और ऐसी कई सारी घटनाएं खासतौर से यूरोपियन देशों में देखी गई हैं, जहां की उस व्यक्ति जिसने ऐसी टेररिस्ट घटना को अंजाम दिया है उसका आइसिस के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इंस्पायर्ड है इसकी आइडियोलॉजी से। तो इस तरीके के टेररिस्ट घटनाओं से भी बचने के लिए जरूरी है कि जो भी सरकार है देशों की वो डीरेडिकलाइजेशन पे फोकस करें, जो वहाँ के नवयुवक हैं उन्हें ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से रोका जाए। आगे एडिटोरियल बताता है कि इराक और सीरिया आईएस के रिवाइवल के प्रति विशेष रूप से कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद से इन देशों में अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। अगर सीरिया की बात की जाए तो बशर अल असद सरकार ने व्यवहारिक रूप से जो सिविल वॉर है उसे तो जीत लिया है रशिया के सपोर्ट से, लेकिन सीरिया अब एक डिवाइडेड कंट्री है। ज्यादातर हिस्सा तो सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन जिहादियों और विद्रोहियों का एक गठबंधन इदलिब प्रांत पर नियंत्रण रखता है। अगर उत्तर पूर्व सीरिया की बात की जाए तो वहां कुर्द विद्रोहियों ने अपनी ऑटोनॉमी की घोषणा कर दी है। और अगर सीरिया तुर्की सीमा की बात की जाए तो वहां तुर्की समर्थक विद्रोहियों के समर्थन से तुर्की की मिलिट्री ने एक बफर जोन का निर्माण किया है और कुर्दों के साथ वो स्थायी संघर्ष में लिप्त हैं। तो इस प्रकार सीरिया में लगातार सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। और अगर इराक की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति बनी हुई है और अभी हाल ही में एक सरकार स्थापित हो गई है, लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी वो अमेरिका और ईरान के बीच फंसे हुए हैं। तो यहाँ हमें इराक के बारे में भी पता होना चाहिए कि इराक में जब सद्दाम हुसैन का शासन था तो इराक में शिया मेजोरिटी है, लेकिन जो बाथ पार्टी की सरकार थी उस समय वो सुन्नी लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी और शिया लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रसिक्यूशन था। और इसके बाद इराक और ईरान के बीच में एक लंबा युद्ध भी चला और ईरान एक शिया मेजोरिटी देश है। जब से इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाया गया है तब से वहाँ जो सरकार है उसमें शिया लोगों का दबदबा है और इस वजह से जो शिया मेजोरिटी ईरान है और इराक के संबंध बेहतर हो गए हैं और ईरान का काफ़ी दखल भी रहा है सरकार में। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो कि ईरान का कट्टर विरोधी है उसका भी इराक सरकार पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है, तो इस वजह से इराक में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर लगातार बना हुआ है। और एडिटोरियल भी बताता है कि ईरान समर्थक शिया मिलिशिया के द्वारा इराक के अंदर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना अभी तक जारी है, जो कि इराक को वाशिंगटन और तेहरान के बीच के युद्ध के मैदान में बदल सकता है। और ऐसी किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जो फ़ायदा मिलेगा वो इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों को मिल सकता है। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ का परिदृश्य भी बहुत अलग नहीं है। लीबिया में भी दो सरकारें हैं जो अभी पिछले सप्ताह ही संघर्ष विराम पर पहुंची हैं। और जो लीबिया में संघर्ष चल रहा है उसके द्वारा माली और बुर्किना फासो में भी इस तरीके के संघर्ष फैल गए हैं और माली में अभी हाल ही में एक मिलिट्री कू भी हो गई है, यानी कि तख्तापलट मिलिट्री के द्वारा। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इन देशों में भी उसने भी जिहादियों को अपनी ताकत मजबूत करने का मौका दिया है। और एडिटोरियल मानता है कि अराजकता उग्रवाद को जन्म देती है और जब तक ये देश अस्थिर बने रहेंगे तब तक इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन सक्रिय रहेंगे और लगातार अपनी ताकत मजबूत करते रहेंगे। और अगर इस्लामिक स्टेट की जड़ों को देखा जाए तो वो इराक पर अमेरिकी हमले से जुड़े हुए हैं और सीरिया में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाकर उसने अपनी शक्ति में वृद्धि करना शुरू किया। और एडिटोरियल मानता है कि क्षेत्रीय सरकारों के साथ साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों को भी इस तथ्य के प्रति सचेत बने रहना चाहिए कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट इतना पावरफुल बन सका। अगर सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती और इराक में इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती तो कोई वजह नहीं थी कि इस्लामिक स्टेट इतना विकराल रूप ले पाता और इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को कैप्चर कर पाता।
तो इस सब से सबक लेना चाहिए सारी रीजनल गवर्नमेंट्स को भी और जो उनके इंटरनेशनल बैकर्स हैं उन्हें भी। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ऐसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे रीजनल फॉल्ट लाइन्स को संबोधित करने में विफल रहेंगे और एक दूसरे से युद्ध को नहीं रोकेंगे तो जिहादियों को एक बार फिर मौका मिल सकता है अपनी सत्ता को वहां काबिज करने का। तो ये सब थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में और सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो जो सुरक्षा परिषद है इसके 15 मेंबर होते हैं, जिनमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो सुरक्षा परिषद में चुने जाते हैं 2 साल के टर्म के लिए और इनकी संख्या होती है 10। अभी हाल में ही भारत को चुना गया है 2 साल के टर्म के लिए और भारत का टर्म शुरू होगा January 1, 2021 से 2 साल के लिए और भारत 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है और पूछा जा सकता है। और सुरक्षा परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास एक वोट होता है और जितने भी मसले सुरक्षा परिषद के पास आते हैं उसमें डिसीजन लेने के लिए 9 वोट जरूरी होते हैं और किसी भी परमानेंट मेंबर की तरफ से अगर 9 वोट है यानी कि वो मना करते हैं उस डिसीजन को लेकर तो फिर उनका वीटो है और फिर वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। जो सुरक्षा परिषद की प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है हर महीने इसके 15 मेंबर्स के बीच में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में। अब देखते हैं 1267 अलकायदा सेंक्शंस कमेटी। तो ये कमेटी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों में। तो 1267 कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में जबकि इसको लाया गया था सेंक्शंस इम्पोज करने के लिए तालिबान के ऊपर। अब इसे और ज़्यादा व्यापक बना दिया गया है और जब ये कमेटी किसी को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करती है तो इसका मतलब है कि वैसी संस्था या इंडिविजुअल के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि उनके जो बैंक अकाउंट्स होंगे, कोई भी फाइनेंशियल एसेट होगा वो उनके पास अब उपलब्ध नहीं रहेगा। ट्रैवल बैन भी लगाया जाता है यानी कि वो आप यात्रा फ्रीली नहीं कर पाएंगे और आर्म्स एम्बार्गो यानी कि ऐसे व्यक्तियों को, संगठनों को किसी भी तरीके के हथियार या मिलिट्री सहायता नहीं पहुंचाई जाएगी। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि वेस्ट एशिया मैप में कौन कौन से देश इसमें आते हैं और उनकी सीमा किन देशों से लगी हुई है। इसी प्रकार नॉर्थ अफ्रीका के देशों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से ऐसे देश जो कि लगातार खबरों में बने हुए हैं, जैसे कि अभी माली, वहाँ जो तख्ता पलट की घटना हुई है तो हमें माली को एटलस में देख लेना चाहिए। इसी प्रकार सीरिया और इराक जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं उनके मैप्स को भी आपको देखना चाहिए। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के बारे में हमें बुनियादी तथ्य पता होने चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के जो टर्म अभी शुरू होने वाला है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये 8वीं बार है जब भारत इसका मेंबर बनने जा रहा है और जनवरी 2021 से इसका मेंबरशिप शुरू होगी। और एक और बात पता होनी चाहिए कि भारत को ये जो पोजीशन मिली है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप से मिली है। साथ ही साथ सवाल आपसे 1267 सेंक्शंस कमेटी के ऊपर भी पूछा जा सकता है तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अरब स्प्रिंग को लेकर भी पता होना चाहिए क्योंकि जो सीरियन सिविल वॉर है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अरब स्प्रिंग से हुई और बाद में वो सिविल वॉर का रूप उसने ले लिया। तो अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुई थी तो तुनिशिया है इसका जवाब। और अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में लंबे समय से चल रहे युद्ध हैं या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो ऐसा फर्टाइल ग्राउंड देते हैं कि इस्लामिक स्टेट जैसे टेरर आउटफिट्स वहाँ पनप सकें। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर करने में क्या रोल UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा प्ले किया जा सकता है, तो इस पर भी आपको तैयार होना चाहिए। ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।